हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर है क्लास 8 की मैथ्स में, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में। हम लोग अलग अलग फिगर का जो चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, बस एक बार जो किताब में दिया गया एक्सरसाइज और जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेरीमीटर यानी कि परिमाप हिंदी में कहा जाता है परिमाप और इंग्लिश में कहा जाता है पेरीमीटर। आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड द फिगर और लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ द फिगर। हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी आकृति की सीमाओं की कुल दूरी उसका परिमाप कहलाती है। यानी कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, अराउंड द फिगर, किसी भी फिगर के चारों ओर की जो दूरी होती है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री या फिर जो बाउंड्री है फिगर की उसकी जो टोटल लंबाई है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, इनकी जो सीमा है, जो भी आकृति हमें दी गई है उसकी जो सीमाओं की लंबाई होगी टोटल, उसको सम करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तब जाके मुझे पेरीमीटर मिलेगा। अगर इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो जो लेंथ की लंबाई लेंथ की यूनिट होती है, लंबाई की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, सेम वैसे ही हमारी पेरीमीटर यानी कि परिमाप की होती है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक सिंपल क्लोज्ड फिगर में, जो हमने प्लेन फिगर्स पढ़े थे कुछ, उनकी पेरीमीटर के परिमाप के बारे में अभी हम यहाँ पर आपको फार्मूला बता देते हैं। बस आपको फार्मूला याद रखना है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि सारे फिगर्स के जो पेरीमीटर होते हैं वो कैसे कैसे निकालते हैं, उनका फार्मूला क्या है। देखिए, जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, सॉरी पेरीमीटर होता है, वो क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स। इसमें तीन साइड होते हैं इसलिए तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं को बस जोड़ देना है, वो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब आते हैं रिक्टेंगल। रिक्टेंगल क्या है? इसको हिंदी में आयत बोलते हैं। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? चूंकि ये दोनों लंबाई बराबर होती है, आमने सामने की ये दोनों और ये दोनों बराबर होती हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, यानी कि 2 × 2 × लंबाई + चौड़ाई। इनकी लंबाई जो भी होगी उसको रखेंगे, चौड़ाई जो भी होगी उसको रखेंगे और दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे, तो मुझे आयत का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम हो जाएगा। अब आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड्स बराबर हों और ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × साइड, क्योंकि चारों साइड बराबर होता है, तो इसलिए 4 × साइड, 4 × भुजा, 4 × भुजा करेंगे तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो इसका क्या हो जाएगा? ये सेम टू सेम रेक्टेंगल का यानी कि आयत का जो इसका परिमाप होता है, सेम वैसे ही इसका पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। क्या होता है? 2 × लेंथ + ब्रेथ, यानी कि 2 × लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किल है, सर्किल का विड्थ, सर्किल को विड्थ कहते हैं, इसके पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस यानी कि इसके परिमाप को, विड्थ के परिमाप को परिधि कहा जाता है। याद रखिएगा कि सर्कमफेरेंस को हिंदी में परिधि कहा जाता है। जब हम लोग विड्थ के परिमाप की बात करते हैं तो उसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है। सर्किल का क्या हो जाता है? सर्किल को हिंदी में विड्थ बोलते हैं। इसका परिमाप होता है 2, यानी कि परिधि होती है 2πr। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14 या फिर 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ले सकते हैं। तो 2πr हो गया इसका। r बराबर क्या हो गया? रेडियस। रेडियस क्या होता है? आपको पता है कि इस सेंटर से लेकर और इस सर्किल पर किसी पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस रखेंगे और 2 × π से गुना कर देंगे तो मुझे सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। अब सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त कहते हैं इसको। इसका क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो इसका पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस होगा वो हो जाएगा πr + d। डी क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा। और आर क्या है? आर रेडियस हो गया। ठीक है, यानी कि त्रिज्या हो गया, डी क्या हो गया? व्यास हो गया। तो इस तरीके से जो ये फार्मूलाज थे मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं हम लोग के एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, और इन सब फिगर का जब हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आते हैं एरिया। एरिया को हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल।
एरिया की डिफिनेशन क्या है? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे आकृति द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि किसी भी फिगर के द्वारा, किसी भी आकृति के द्वारा जितना रीजन इनक्लोज्ड किया जा रहा है, जितना क्षेत्र घेरा जा रहा है, उसकी मेजरमेंट को ही, उसके माप को ही हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, कोई भी आकृति हो वो कितना जगह घेर रही है, कितना क्षेत्र घेर रही है ना, उसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, अब यूनिट की बात कर लें, अगर इकाई की बात कर लें तो स्क्वायर यूनिट, यानी कि कोई भी यूनिट रहेगा जिस यूनिट में आपको फिगर दी गई है, फिगर की लंबाई चौड़ाई जो भी कुछ दिया गया है उसके पहले आपको स्क्वायर लगा देना है, यानी कि वर्ग इकाई। जैसे मीटर स्क्वायर, कभी भी आप एरिया निकालिएगा तो उसमें एरिया जो आंसर होगा उसमें आपको ये यूनिट लगाना ज़रूरी है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, ये सब आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में क्या होता है, अगर आपको बेस दिया हुआ है और ये हाइट दी गई है, यानी कि एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ऊंचाई दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब आते हैं रिक्टेंगल यानी कि आयत। आयत में आपको लंबाई और चौड़ाई दी रहती है तो लेंथ गुने ब्रेथ कर दीजिए, सिंपली आपको एरिया निकल जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग, इसमें आपको सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए मुझे एक कोई भुजा की माप दी रहती है, एक किसी साइड की मेजरमेंट दी रहती है, तो साइड को साइड से गुना कर देंगे तो मुझे निकल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर यानी के वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा को भुजा से गुना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे भुजा का, तो मुझे निकल जाएगा क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। अब आते हैं पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में बेस और हाइट, बेस ये हो गया, ये आपका बेस नहीं, ये आपका बेस हो जाएगा बेस, और ये आपका हो जाएगा एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एच, ये बी और ये एच हो गया, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा यानी कि आधार गुने शीर्षलंब हो जाएगा। ठीक है, आधार गुने शीर्षलंब, तो इस तरीके से हम लोग जो पैरेललोग्राम होगा उसका भी एरिया निकाल लेंगे आधार गुने ऊंचाई करके। ठीक है, जो ऊंचाई है। अब आते हैं सर्किल की तरफ। सर्किल में क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि जब मुझे आर की वैल्यू दी रहेगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जब मुझे डी की वैल्यू दी रहेगी तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। आर मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या, और डी बराबर हो गया डायमीटर यानी कि व्यास। D अगर आपको दिया रहेगा तो आप D बाई टू करके, यानी कि अगर आपको D दिया हुआ है तो D बाई टू करके आप R निकाल सकते हैं, और R निकालने के बाद आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट पाई बाई फोर डी स्क्वायर करके एरिया निकाल लीजिए। सेमी सर्किल रहेगा, अर्धवृत्त रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि D दिया हुआ है तो D के केस में पाई बाई एट डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका फिगर था सभी का एरिया मैंने आपको बता दिया कि निकालने का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पर हम लोग एक एक जैसे कर लेंगे, कि यहाँ पर आपको जैसे एक न्यूमेरिकल में बता के सबका एक एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, एक एक प्रॉब्लम, ताकि आपको फिगर्स का जो मेजरमेंट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका पेरीमीटर और एरिया निकाल के देखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये सर्कल दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप आपको पता है, फॉर्मूला बस उस फॉर्मूले पुट करना है। यहाँ पर आर बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस बराबर हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि सी बराबर होता है 2πr यानी कि 2 × π × रेडियस। यहाँ पर पाई की वैल्यू आप ले लीजिए 22/7। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लिखना है 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 4 × 2 = 7 × 14 कट गया, तो 2 × 2 = 4 और 22 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं रेक्टेंगल है, आयत है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, तो 2 × तो क्या हो जाएगा आपको, लेंथ हो जाएगा 20 + 20 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 2 और 20 × 12 कितना हो गया 32 सेंटीमीटर, कितना हो गया 64 सेंटीमीटर हो गया इसका पेरीमीटर। इसी तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पर वर्ग है, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड यानी कि 4 × भुजा, 4 × भुजा बताया था, साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं, 4 × भुजा यानी कि 4 × भुजा कितना है, देखिए यहाँ पर 15 दिया हुआ है, जब ये 15 है तो सब 15 ही होगा। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 15 मीटर लिखा हुआ है, तो 15 मीटर कितना हो गया
पंद्रह चौका 60 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 12 10 22 22 10 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का क्या होगा सभी साइड्स का सम इसमें भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इसमें लगा दीजिए आप, क्योंकि ये दोनों लंबाई बराबर है, ये दोनों चौड़ाई इसकी जो है ये थिकनेस ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इसमें भी हो जाएगा, तो 2 इंटू 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2 गुने 12 8 20 सेंटीमीटर यानी कि ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकल गया, अब एरिया निकालिए। देखिए एरिया का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है यानी कि 22/7 गुने आर कितना है, आर की वैल्यू दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुने 14 कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 से 7 गुनी 14 कट जाएगा, गुना कीजिएगा कितना होगा 14 गुना 28 गुना 56 5 616 यहाँ पर लिख दीजिए आप, सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा लेंथ गुने ए बराबर क्या हो जाएगा लेंथ गुने ब्रेथ, ठीक है। यानी कि एल कितना है लंबाई 20 सेंटीमीटर है लंबाई और 12 सेंटीमीटर है चौड़ाई, यानी कि ये हो जाएगा 12 दुनी 40 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का ए बराबर क्या होगा बता चुका हूँ कि भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा साइड यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर, 15 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 15 मीटर गुने 15 मीटर कितना हो जाएगा 225 और ये कितना हो जाएगा मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, ये मैंने बताया था यूनिट स्क्वायर यूनिट। अब आते हैं ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस कितना हो गया इसका ये हो गया 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए 2 चौका 8 कट गया तो कितना हो जाएगा 12 चौका 48 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आते हैं फिर यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, बताया था बेस गुने हाइट होता है, बेस यानी कि आधार गुने ऊंचाई यानी कि हाइट होता है, तो बेस कितना है इसमें 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई यहाँ पर नहीं दिया गया, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ऊंचाई यहाँ पर आप इसको सपोज दैट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, और अगर नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई तरीका दिया रहेगा जिससे हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 12 दहाई के 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, तो ये हमारा हो गया एरिया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं आपको एक सेमी सर्किल का बता देता हूँ, सेमी सर्किल का मान लीजिए कि डी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है आपको सपोज दैट मान लीजिए कि 28 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो डी दिया हुआ 28, तो आर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका डी जो है ये आपका दे दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको मैंने बताया था कि सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर कैसे निकालते हैं पाई और हो जाता है इसका आर प्लस डी होता है ना, तो यहाँ पर 22/7 गुने 22 प्लस डी कितना है 28 है, सॉरी ये आर बराबर जो होगा आपका कितना हो गया 14 ना 14 तो 7 दूनी 14 हो गया यानी कि 44 प्लस 28 कितना हो जाएगा ये 4 दू 6 1 7 यानी कि 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 2 यानी कि जो पाई आर स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर कितना होगा 22/7 गुने आर कितना है 14 गुने 14, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 यानी कि डिवाइड बाई 2 तो इसको आप क्या कीजिए गुने 1/2 कर दीजिए 7 गुनी 14 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना 14 गुना 28 और 14 गुना 28 30 यानी कि ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सारे को एरिया जो भी फिगर दिया रहेगा उसका एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में इसका एक एक्सरसाइज मैं सॉल्व करूंगा कि कैसे हम लोग बहुत सारे जैसे आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल एरिया निकालना है पेरीमीटर दिया हुआ है ना पेरीमीटर लेंथ ब्रेथ दिया हुआ था पेरीमीटर निकालना है तो क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई इसकी पेरीमीटर इतनी है लेंथ इतनी है तो ब्रेथ क्या हो सकती है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको इसके से रिलेटेड एक एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा क्लास 8 की मैथ से बिहार बोर्ड की मैथ से एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।